हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसा का है, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है? चलिए जी, आ जाइए, सभी लोग स्वागत है आप सभी का। कई हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें को बताओ, तुम लोग यार दिन भर करते क्या हो घर पे? मेरा लेक्चर रात में होता है, तुम दिन भर क्या करते हो? दिन भर क्या करते हो भाई, पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं दिन में? मतलब पढ़ाई को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं दिया है? सारे कह रहे हैं टाइम पास करते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, यही उम्मीद है मेरे को। चैटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, बीजीएमआई करते हैं, बहुत बढ़िया बेटे। मौज कर दी बेटे, मौज कर दी, मौज कर दी बेटे। आपने तो बीजीएमआई खेलते हो, हैं, चैटिंग करते हो, खाते हो, सोते हो, बहुत बढ़िया बच्चा, प्राउड ऑफ यू बच्चा। फॉलो बैक नहीं किया क्या मैंने? अरे कर देंगे यार, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड रख लो यार। और क्या देऊं तुम्हारे को? आईडी पासवर्ड देऊं क्या? तुम बोलो, आईडी पासवर्ड दे क्या इंस्टाग्राम का? चलाओ, जैसा चलाना है चलाओ, फिर लो लिखो, आईडी लिखो लिखो, चलो लिखो आईडी लिखो, शुभम डॉट मोदी अंडरस्कोर, शुभम डॉट मोदी अंडरस्कोर, दिस इज माय आईडी एंड पासवर्ड इज अब ये मैंने कोड वर्ड में पासवर्ड बता दिया, समझ जाना, ठीक है? जो देखो, समझदार को इशारा काफी होता है, समझदार को इशारा काफी होता है। यहाँ तो मैंने पूरा पासवर्ड बोल दिया भाई, यहाँ तो मैंने पूरा पासवर्ड बोल दिया, ठीक है? समझदार को इशारा काफी होता है, यहाँ तो मैंने पूरा पासवर्ड बोल दिया, ठीक है? तो समझ जाओगे ना अब, है ना जी? समझ जाओगे ना अब, है कि नहीं? ओ भाई साहब, मैं गया जहां भी बस तेरी याद ही मुझको तड़पा पिघलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। चलिए जी, ओके। व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आया क्या आज? अरे हाँ यार, मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, एक्चुअली मैं वही चेक कर रहा था, बहुत सारे बच्चों को मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे। हाउ इज इट पॉसिबल यार, हाउ इज इट पॉसिबल? लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाओ। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। चलिए ओके, अभी आई थिंक आ गया। चलिए ओके, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। चलिए, जो हमने कल पढ़ा था जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आ जाइए जी। चलो आ जाओ, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था। कम ऑन एवरीवन यार, आ जाओ यार, अभी क्या इतना टाइम लगाते हो यार, आ जाओ लवली बेबी सोना बाबू जानू। चलिए जी, सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर एवरीवन, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि स्टेट कौन है। कल हमने देखा था स्टेट कौन है, बट उसके पहले हमने देखा था हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है। चलो जल्दी से बताओ, हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है? यूनिटरी है, फेडरल है कि क्वासी फेडरल है? जल्दी से बताएंगे, हमारे देश का स्ट्रक्चर कौन सा है? यूनिटरी है, फेडरल है कि क्वासी फेडरल है हमारे देश का स्ट्रक्चर? कम ऑन एवरीवन, टेल मी एवरीवन, जल्दी एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। यस, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स क्वासी फेडरल। भाई क्या बात है यार, ऐसे तुम लोग आंसर देते हो ना तो मेरा दिल जीत लेते हो। उसके बाद में जब तुम, या मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ और बकवास करते ना कमेंट्स में, तो बस तुम मेरे दिल की धजियां उड़ा देते हो पूरी, पता है? पूरी धजियां उड़ा देते हो, धजियां धजियां मतलब समझते हो नहीं समझते हो, समझते हो नहीं समझते हो। चलिए जी, ओके ओके भाई, अब ध्यान देना सब लोग, अब ध्यान देना सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, जितनों ने भी मुझे आज कहा है कि सर आप हैंडसम दिख रहे हो, क्यूट दिख रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ऐसे तारीफ करते रहा करो, अच्छा लगता है मेरे को, मेरे को अच्छा लगता है भाई, बोलते रहा करो ऐसा बीच बीच में। सर बॉडी क्या दिख रही है आपकी, और जिसने मेरे को अगरबत्ती मोमबत्ती ये सब बोला है ना, ठीक है, जिसने भी मेरे को अगरबत्ती मोमबत्ती बोला ना बेटा, तुम्हारी अगरबत्ती और मोमबत्ती निकाल के तुम्हें हाथ में दे दूंगा, बता रहा हूँ। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, आ जाओ ना गाइस, ध्यान देंगे। हमने पढ़ा था, मेरे को एक क्वेश्चन पूछूंगा, चलो आप लोग बताना आंसर, ठीक है? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर बताना आप लोग। पूछू, संविधान फंडामेंटल राइट्स देता है सारे सिटीजन को, लेकिन फंडामेंटल राइट्स देने की ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? संविधान ने फंडामेंटल राइट्स देने की ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाली हुई है, टेल मी? तो वेरी गुड यार, क्या बात है यार, स्टेट के ऊपर डाली हुई है भाई साहब, वेरी गुड यार, वेरी गुड, स्टेट के ऊपर डाली हुई है ऑब्लिगेशन, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल भाई
भाई कितने होशियार हो तुम लोग, वेरी गुड। अच्छा स्टेट कौन है, कल हमने देखा था, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक साफ साफ कुछ और रिक्वायर्ड ना हो, स्टेट में कौन कौन आएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट आएगी और पार्लियामेंट आएगा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, सारी लोकल अथॉरिटी आएगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, अदर अथॉरिटी, कोई भी बॉडी जो स्पेशल लॉ से बनी है वो सब आएगी, जो इंडिया की टेरिटरी में है या फिर इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सारी लोकल अथॉरिटी, सारी अदर अथॉरिटी जो इंडिया में है या फिर इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये सब के सब स्टेट में आते हैं। तो स्टेट में कौन आता है, कम ऑन एवरीवन, टेल मी फास्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कुछ और रिक्वायर्ड ना हो, स्टेट में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा था। स्टेट में कौन कौन आता है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी गुड, वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू, बहुत ही सुपर्ब। चलो आज पढ़ेंगे और कौन कौन स्टेट है भाई साहब, आज हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन स्टेट में आते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे कि और कौन कौन स्टेट में आते हैं, ठीक है, आज हम क्या जानेंगे दोस्तों कि और कौन कौन स्टेट में आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई मंदिर है, सरकार उसको पैसा देती है तो क्या वो स्टेट में आएगा, मान लो कोई बॉडी है, सरकार जिसको कंट्रोल करती है तो क्या वो स्टेट में आएगा, तो आज ये सब जानेंगे। चलो जानते हैं, एक केस था, केस का नाम था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, बोलो कौन सा केस था बेटा, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, बोलिए जल्दी से बोलिए, केस कौन सा था, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ठीक है, एक केस था, केस का नाम था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, क्या था केस का नाम, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, पांच बार बोलो तो अभी याद होगा, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, वंस मोर, कम ऑन यूपी फॉर धूम मचा ले, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ठीक है, ये केस था, इसमें डिसाइड हुआ था कि भाई साहब कौन कौन स्टेट में आएगा, कौन कौन स्टेट में आएगा, चलो समझते हैं कौन कौन स्टेट में आएगा, आ जाओ अपनी क्लास में किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल नहीं, किसका एग्जाम्पल नहीं, किसका एग्जाम्पल नहीं, किसी लड़के का, अमन अग्रवाल का लेते हैं, ठीक है, अमन अग्रवाल अपनी क्लास में, अमन है, अमन अग्रवाल, अमन अग्रवाल, अमन अग्रवाल ना एक लड़की पे पूरा कंट्रोल करता है, लड़की को कहता है उठ तो लड़की उठती है, लड़की को कहता है बैठ तो लड़की बैठती है, लड़की को कहता है इधर आ तो इधर आती है, कहता है उधर जा तो उधर जाती है, कहता है खा तो खाती है, कहता है सो तो सोती है, पूरा कंट्रोल, जैसा अमन अग्रवाल बोले वैसा लड़की करती है, तो माना जाएगा कि वो लड़की, माना जाएगा कि वो लड़की, वो लड़की अमन की क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी बताओ क्या है, हां जी हां जी, क्या है बोलो, जल्दी बोलो, जीएफ है, जीएफ, जीएफ मतलब पता है क्या होता है, जीएफ मतलब होता है डैश फटी, ओह मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड होता है, गंदे लोग, गंदे लोग, गंदे लोग बस तुम्हारे को गंदी बातें करा लो, जीएफ मतलब होता है गर्लफ्रेंड, कोई कह रहा है गुड फ्रेंड, ओके अभी ध्यान से सुनना, ठीक है अभी सब लोग ध्यान से सुनना सारे, सो अमन अग्रवाल जो है ये एक लड़की पे पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है, ये क्या करता है, लड़की पे पूरा कंट्रोल करता है, तो माना जाएगा वो लड़की अमन अग्रवाल की गर्लफ्रेंड है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही अगर गवर्नमेंट किसी कॉरपोरेशन में एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करती है, अगर गवर्नमेंट किसी कॉरपोरेशन में एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करती है, मतलब पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, क्या लगता है उसे स्टेट मानना चाहिए कि नहीं, क्या लगता है उसे स्टेट की एजेंसी, स्टेट का इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्टेट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, अगर कोई बॉडी है जिसमें 100% शेयर गवर्नमेंट का है, 100% शेयर गवर्नमेंट का है, मेरे को सबसे जवाब चाहिए भाई, सबसे जवाब चाहिए, मुन्ना बेबी बाबू शोना जितने क्लास में सबसे जवाब चाहिए मेरे को, जल्दी से बताओ, अगर से गवर्नमेंट किसी में 100% शेयर कैपिटल होल्ड करती है, अरे वो स्टेट है बेबी, 100% है, तो पहला पॉइंट ही यही है,
कि अगर एंटायर शेयर कैपिटल किसी कॉरपोरेशन का गवर्नमेंट के पास है, अगर एंटायर शेयर कैपिटल किस कॉरपोरेशन का गवर्नमेंट के पास है, उसे स्टेट मानेंगे बाबू, मानेंगे उसको स्टेट। आर यू गाइस गेटिंग इट? क्या मान लेंगे उसको? वी विल कॉल इट एज स्टेट। उसको हम क्या मानेंगे? स्टेट। अगर एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो उसे हम क्या मान लेते हैं? स्टेट मान लेते हैं। कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा, वेरी गुड। अब पहला एग्जांपल तो ठीक है। अब अमन अग्रवाल है ना, इसकी बंदी पता क्या करती है? इसकी बंदी कहती है, अमन अग्रवाल को फोन लगाती है, कहती है बीबी। अमन अग्रवाल कहता है बोलो। कहती है बीबी। अमन अग्रवाल कहता है बोलो। कहती है बेबी रिचार्ज करा दो। कहती है रिचार्ज करा दो। तो अमन अग्रवाल पूछता है कितने का कराऊं? तो कहती है बेबी 10 रुपए का टॉक टाइम और एक नेट का रिचार्ज करा दो बेबी, बाकी मुझे कॉल तो तुम ही करते हो सिर्फ। कहती है 10 रुपए का एक टॉक टाइम करा दो, बाकी का नेट पैक डला दो एक छोटा सा। तो कहता है ठीक है डला दूंगा। ठीक है, फिर नेट पैक डला के हो गया। फिर कहती है बेबी। अमन अग्रवाल कहता है बोलो। कहती है बेबी शॉपिंग करा दो। कहती है शॉपिंग करा दो। तो ये शॉपिंग कराता है। फिर कभी उठती है, कहती है लिपस्टिक दिला दो, कभी कहती है नेल पेंट दिला दो, कभी कहती है कुछ दिला दो, कभी कहती है कुछ दिला दो। ठीक है, ठीक है। कभी कहती है कोकोनट दिला दो। ठीक है, कभी कहती है कोकोनट दिला दो। ठीक है, कभी कहती है, मतलब कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कहती है मेरे को पैकेट दिला दो कुरकुरे का, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, है ना। तो ये कुछ ना कुछ कहती है, मेरे को दिलाते जाओ बस। और अमन अग्रवाल बेचारा, बेचारा हमारा भोला भाला भाई पूरा खर्चा उठाता है उसका, पूरा खर्चा। तो मान लिया जाएगा वो अमन अग्रवाल की गर्लफ्रेंड है। अगर सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा खर्चा उठाती है, पूरा खर्चा, सरकार किसी बॉडी को पूरा खर्चा देती है, तो मान लिया जाएगा वो स्टेट है। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा? वो स्टेट है। ठीक है, ध्यान देना। अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट किसी कॉरपोरेशन को इतना पैसा देती है, इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, इतना पैसा देती है कि उसका पूरा खर्चा निकल जाए, पूरा खर्चा निकल जाए, तो मान लिया जाएगा वो स्टेट है। बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या? मेरे को जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये वाली आपको बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या कि अगर सरकार किसी बॉडी का पूरा खर्चा उठा ले, मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग सो मच ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट पूरा खर्चा ही निकल सकता है उस बॉडी का, तो वो स्टेट मान लिया जाएगा। जैसे मान लो एक मंदिर है, सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, तो वो स्टेट है। मान लो कोई ट्रस्ट है, सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, तो वो स्टेट है। मान लो कोई कंपनी है, सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, तो वो स्टेट है। सरकार इतना पैसा देती है किसी बॉडी को कि उसका पूरा खर्चा निकल जाए, तो वो स्टेट कहलाएगा बॉस। बात समझ रही है ना? सर कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है ना, तो ICAI एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले बना था, तो वो किसने बनाया था? परीक्षा छाजड़ जी कह रही हैं। अरे बेटा, ऐसे भी तो बहुत सारे एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे एक्ट है ऐसे बेटा, तो ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे हमारे देश में, लेकिन सारे एक्टों को मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ठीक है, चलो अभी वो आगे आप पढ़ोगे उसको धीरे धीरे, अभी इस पे ध्यान दो। चलिए, तो बहुत ध्यान से सुनना सारे, सब लोग ध्यान से सुनना। तो दो केस मैंने बताया जब आप स्टेट कहलाओगे, जल्दी से बताओ दोनों केस बताओ। पहला केस कौन सा था? जल्दी बताओ। सरकार क्या करती है? पूरा, किसी ने लिखा है समझा नहीं आ रहा बेटा, ध्यान दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूं। देखो पहला पॉइंट है, कोई कॉरपोरेशन है उसका एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, एंटायर शेयर कैपिटल किसके पास है बोलो? गवर्नमेंट के पास है, तो उसे क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। अच्छा, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है उसको नहीं समझ में आएगा भाई, क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड है। कल पढ़ाया था ना, तो कल का लेक्चर नहीं देखा है, तो नहीं समझेगा भाई। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉडी है उसका एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, अबे पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उस बॉडी को, तो वो स्टेट कहलाएगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई कॉरपोरेशन है
कोई कॉरपोरेशन है, कोई भी बॉडी है, सरकार इतना फिनेंशियल असिस्टेंस देती है, इतना फिनेंशियल असिस्टेंस देती है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल असिस्टेंस, सरकार इतना पैसा देती है उस बॉडी को, उस कॉरपोरेशन को इतना पैसा देती है टू मीट अप एंटायर एक्सपेंडिचर, टू मीट अप एंटायर एक्सपेंडिचर, एंटायर एक्सपेंडिचर मतलब सरकार इतना पैसा देती है किसी बॉडी को, इतना पैसा देती है कि उसका पूरा खर्चा निकल जाता है, तो वो भी स्टेट कहलाता है, वो भी स्टेट कहलाता है। कौन कौन स्टेट कहलाता है? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के हिसाब से अगर सरकार का एंटायर शेयर कैपिटल किसी बॉडी में, मतलब सरकार ने पूरा, मतलब पूरे शेयर सरकार के पास है, तो वो भैया स्टेट है। सरकार इतना पैसा देती है किसी बॉडी को कि उसका पूरा खर्चा निकल जाए, तो वो भी स्टेट है। आई होप आप जिनको नहीं समझ में आया था समझ में आ गया। बहुत आसान सा पॉइंट है यार, बहुत आसान सा पॉइंट है, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टफ इन इट, राइट? ठीक है, बताओ ये दो पॉइंट सभी को, जल्दी बताओ ये दो पॉइंट सभी को समझ में आएगा, जल्दी बताओ ये दो पॉइंट सभी को समझ में आएगा। आसान है क्या कि अगर से सरकार के पास एंटायर शेयर कैपिटल है तो वो स्टेट है, और सरकार किसी को अगर इतना पैसा देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाए तो वो भी स्टेट है। वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पारस राजपूत आपको नहीं समझ में आया, ऐसे क्यों करते हो? इतना तो आसान है पारस मेरे भाई, पारस मेरे भाई कोई कंपनी है, उसमें सारे शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो वो स्टेट है पारस। और दूसरा मान ले सर पारस कोई ट्रस्ट है या मंदिर है या कोई बॉडी है, कोई कंपनी है जिसमें सरकार इतना पैसा देती है कि उनका पूरा खर्चा निकल जाता है, तो वो भी स्टेट कहलाएगा। जिसको सरकार पैसा दे रही है ना, वो भी स्टेट कहलाएगा। पारस आई होप एकदम आसान है। सराज अब्बड़ सर मोदी मम्मी की कहानी सुना रहे थे, ये सब अफवाह है, उनकी बातों में मत आना, उनकी बातों में मत आना, फालतू की बात है, फालतू की बात है, बिल्कुल बकवास बात है, वो विश्वास मत करना। बोलना खुद की तो शादी हो गई है, मोदी सर की क्यों वाट लगा रहे हो, मोदी सर की वाट क्यों लगा रहे हो? बोलना आपकी तो शादी हो गई, अब मम्मी बोलना आपकी बीवी बनेगी ना, अभी अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चलिए ओके, अभी ध्यान देना, आ जाओ। ओके ओके जी, सो ये एकदम आसान है, एकदम सिंपल है ना, वेरी सिंपल, वेरी कंफर्टेबल एवरीवन, है ना, सभी को समझ में आना चाहिए कि अगर से दोस्तों जल्दी बताओ क्या, अगर से सरकार के पास इतना पैसा है कि मतलब सरकार किसी को इतना पैसा देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाए, तो वो भी स्टेट है। अच्छा, और कौन है स्टेट? मान लो एक लड़की है जो सिर्फ अमन अग्रवाल से बात करती है और किसी से बात नहीं करती, और किसी बंदे से बात नहीं करती, मतलब अमन अग्रवाल की मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। एक लड़की है जो सिर्फ अमन अग्रवाल से बात करती है और किससे बात नहीं करती, तो माना जाएगा कि वो अमन अग्रवाल की गर्लफ्रेंड है। समझ रहे हो? कहने का मतलब, मान लो गवर्नमेंट ने कहा पूरे इंडिया में दारू सिर्फ शुभम मोदी बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा, गवर्नमेंट ने कहा पूरे इंडिया में दारू सिर्फ शुभम मोदी बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा, मतलब अगर किसी कॉरपोरेशन की मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब सिर्फ सिंगल सेलर, एक्चुअली मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट ही रख सकती है संविधान के बाद से, सो अगर किसी कॉरपोरेशन की मोनोपोली है और उस मोनोपोली को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, तो जिसकी मोनोपोली है ना वो स्टेट माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कहा पूरे इंडिया में सिर्फ शुभम मोदी दारू बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा, सरकार ने कह दिया पूरे इंडिया में सिर्फ शुभम मोदी दारू बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा, और कोई दारू नहीं बेचेगा, सिर्फ शुभम मोदी दारू बेचेगा, और कोई दारू नहीं बेचेगा, सरकार ने कह दिया, तो मैं क्या माना जाऊंगा? स्टेट। जिसकी मोनोपोली है वो स्टेट मान लिया जाएगा। सो एकदम आसान है कि सरकार किसी बॉडी में पूरा शेयर होल्ड करती है तो वो स्टेट है, सरकार कहीं पे इतना पैसा देती है कि उनके पूरे खर्चे निकल जाए तो वो स्टेट है, किसी की मोनोपोली है और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है तो वो स्टेट है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, गवर्नमेंट ने कहा पूरे इंडिया में सिर्फ शुभम मोदी दारू बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा, तो मेरी मोनोपोली है तो मैं स्टेट बन जाऊंगा। अच्छा, ये क्यों हम देख रहे हैं कि कौन स्टेट बनेगा कौन नहीं, क्यों देख रहे हैं, इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संविधान ने कहा है सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट कौन देगा? स्टेट देगा। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्टेट कौन है।
तो हमने कल क्या देखा था, स्टेट में कौन कौन आता था अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, कौन कौन आता था स्टेट में, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये तो हमने कल पढ़ लिया था. आज हम पढ़ रहे हैं कि और कौन कौन सी बॉडी स्टेट होती है. तो ये हम इसके लिए हम कौन सा केस रेफर कर रहे हैं, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब. इसमें हमने अभी तक तीन पॉइंट कवर किए. पहला पॉइंट, गवर्नमेंट किसी कंपनी में पूरा शेयर होल्ड करती है तो जिसमें होल्ड करती है वो स्टेट है. सरकार किसी को इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाए तो जिसमें जिसको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है वो स्टेट है. अगर मान लीजिए किसी कॉरपोरेशन की मोनोपोली है और उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है तो वो भी स्टेट है भाई साहब, वो भी स्टेट है भाई साहब, वो भी क्या मान लिया जाएगा, स्टेट मान लिया जाएगा. ठीक है, ऋषि जैन कहता है सर लॉ ऑफ टॉर्ट में डाउट है ऐसा. तो मतलब एक काम करते हैं, ये छोड़ देते हैं ऋषि, अभी लॉ ऑफ टॉर्ट की बातें करते हैं. ठीक है, संविधान का क्या होता रहेगा, टॉपिक का क्या है, आधे में छोड़ दे तो थोड़ी कुछ होता है ना. अभी इसको छोड़ते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट की बातें करते हैं मस्त, है ना ऋषि बेटा. सृष्टि कहती है तेरे लिए पिज्जा बर्गर कुर्बान है सीएस, अब तू ही मेरा भगवान है. बहुत बढ़िया सृष्टि बेटा, तुम ये काम करो, यही सब कर लो पहले. मैं क्या करता हूँ, पढ़ाना लिखाना क्या चलता रहेगा, अपन क्लास को एंटरटेनमेंट क्लास बनाते हैं. कोई गाना गाएगा, कोई शायरी कहेगा, कोई अपने मन की बात कहेगा, कोई छोड़ देते हैं अपन बेटा. पढ़ाई के समय पढ़ाई किया करो, है ना. ऐसा नहीं कि लेक्चर भर बस बकवास चल रही है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी होती है. तुम पढ़ाई को ना, ठीक है, पढ़ाई को ना गलत लाइन से समझ रहे हो. चलिए ओके आ जाओ. ओके बस चलिए जी. ओके बस अभी ध्यान देना सारे, ठीक है, सब लोग ध्यान देना. सो तीन पॉइंट देखे. चौथा पॉइंट है, मान लो अमन अग्रवाल है ना अपनी गर्लफ्रेंड में अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखता है. सर क्या बोल रहे हो, अरे मेरा मतलब है पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है. मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट किसी कॉरपोरेशन में डीप एंड परवेसिव. डीप मतलब अंदर तक, परवेसिव मतलब ऊपर से नीचे तक. डीप मतलब अंदर तक, परवेसिव मतलब ऊपर से नीचे तक. अगर गवर्नमेंट किसी कॉरपोरेशन में किसी बॉडी में अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है तो जिसमें भी गवर्नमेंट अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है उसको स्टेट मान लिया जाएगा, उसको स्टेट मान लिया जाएगा, उसको क्या मान लिया जाएगा, स्टेट मान लिया जाएगा. क्या कहता है ध्यान से सुनना एवरीवन, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना सारे. अगर गवर्नमेंट क्या करती है किसी कॉरपोरेशन में डीप एंड परवेसिव कंट्रोल रखती है. व्हाट डू मीन बाय डीप एंड परवेसिव, डीप मतलब अंदर तक, परवेसिव मतलब ऊपर से नीचे तक, एट ऑल लेवल्स. परवेसिव मतलब हर जगह. तो अगर गवर्नमेंट कहीं पे अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है तो जहां पे सरकार अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है तो वो भी स्टेट माना जाएगा. चलो अभी मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताया ना, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना. दोगे चलो ठीक है. एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते हैं भाई कौन आंसर देता है. एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट के कहने से चलता है. गवर्नमेंट जो बोले उस ट्रस्ट में वैसा होता है. गवर्नमेंट बोले ट्रस्ट को आज बंद करो तो बंद, गवर्नमेंट बोले आज इसको डोनेशन दो तो डोनेशन, मतलब गवर्नमेंट के बोलने से वो ट्रस्ट पूरा चलता है. तो क्या वो ट्रस्ट स्टेट कहलाएगा, क्या वो ट्रस्ट स्टेट कहलाएगा? आंसर इज यस. वेरी गुड गाइस, क्या बात है. मान लो यूनिक एकेडमी को गवर्नमेंट ने कहा कि पूरे इंडिया में सीएस स्टूडेंट्स को यूनिक एकेडमी ही पढ़ाएगी और कोई एकेडमी को अलाउ ही नहीं है सीएस वालों को पढ़ाना, तो क्या यूनिक एकेडमी स्टेट बन जाएगी क्या? तो आंसर इज मोनोपोली वाले पॉइंट में आ जाएंगे. क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया. तो कौन कौन स्टेट बनेगा, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, चार. अगर सरकार किसी कॉर्पोरेशन का पूरा शेयर कैपिटल होल्ड करती है तो वो स्टेट है. अगर सरकार किसी को इतना पैसा देती है कि उनके पूरे खर्चे निकल जाएं तो वो भी स्टेट है. अगर किसी की मोनोपोली है और सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है तो वो भी स्टेट है. और सरकार कहीं पे अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है तो वो भी स्टेट है.
सरकार अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है, मतलब डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, तो वो भी स्टेट है। तो चार पॉइंट पढ़े, दो और बाकी हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ध्यान से सुनना। अगर से कोई बॉडी है, मतलब कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम करता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, हवा बिजली पानी, हवा बिजली पानी, इसे कहते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम। इसे क्या कहते हैं भाई साहब, पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम कहते हैं इसको। अगर कोई बॉडी है, कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, जो क्या करते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम करते हैं, हवा बिजली पानी रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम है। अगर कोई बॉडी है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम करती है, है ना, पानी में काम करती है, बिजली के लिए काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करती है, बैंकिंग के लिए काम करती है, रेलवे के लिए काम करती है, और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, तो वो भी स्टेट कहलाएगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि हम आपको महीने के 10 लाख रुपए देंगे, बिजली आप सप्लाई करो, तो मैं स्टेट बन जाऊंगा। गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि आप ना पानी सप्लाई करने का काम करो, हम आपको पैसा देंगे, मैं स्टेट बन जाऊंगा। अगर से आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम करते हो और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड हो, तो आप स्टेट हो। कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है, सॉरी फोर्थ नहीं, फोर्थ पॉइंट तो अपन ने देख लिया ना, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल वाला, डीपीसी, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर कोई कॉरपोरेशन है, अगर कोई कॉरपोरेशन है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट फंक्शन से क्या है, रिलेटेड है, तो वो भी स्टेट कहलाएगी भैया, वो भी स्टेट कहलाएगी, ठीक है, वो भी स्टेट कहलाएगी। अगर आप पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करते हो, पानी बिजली कचरा साफ करना, ट्रांसपोर्टेशन रेलवे बैंकिंग, और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड हो, तो भी आप स्टेट हो। और लास्ट है कि अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट था, मान लो कोई डिपार्टमेंट था, वो कन्वर्ट हो गया कॉरपोरेशन में, तो वो भी स्टेट है। एग्जाम्पल इसका LIC, LIC पहले डिपार्टमेंट हुआ करता था, बाद में वो कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी स्टेट है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी वो डिपार्टमेंट है, कल जाके अगर उसको हम कॉर्पोरेशन बना दे, तो वो भी स्टेट है। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बना दे, तो वो भी स्टेट है। अगर कोई डिपार्टमेंट था, बाद में जाके कॉर्पोरेशन बन जाए, सरकारी डिपार्टमेंट था कोई, जैसे पासपोर्ट डिपार्टमेंट है आज, कल जाके पासपोर्ट कॉर्पोरेशन बन जाती है, तो वो भी स्टेट है। तो ये 6 लोग स्टेट कहलाते हैं। ये डिसाइड हुआ था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में। कौन से केस में डिसाइड हुआ था जानी? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। कौन से केस में डिसाइड हुआ था बताइए? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। क्या क्या डिसाइड हुआ था ध्यान देना। अगर किसी कॉरपोरेशन में एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पूरा शेयर कंट्रोल करती है किसी कंपनी का, तो वो स्टेट है। दूसरा था, सरकार इतना पैसा देती है किसी बॉडी को, इतना पैसा देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाते हैं। गवर्नमेंट गिव सो मच ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मीट अप द एंटायर एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकार इतना पैसा देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाए, तो वो भी स्टेट है। मान लीजिए कॉरपोरेशन की मोनोपोली है, कोई कंपनी है उसकी मोनोपोली और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, वाह भाई वाह, तो वो भी स्टेट है ना जी। तीसरा था, सरकार कहीं पे डीप एंड परवेसिव कंट्रोल रखती है किसी बॉडी में, अंदर तक ऊपर से नीचे तक कंट्रोल रखती है, तो जहां पे भी गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, वो भी स्टेट है बॉस। उसके बाद में मान लीजिए कोई कॉरपोरेशन है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, पानी बिजली रेलवे इन सब में काम करती है कोई बॉडी और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, वो भी स्टेट है। और लास्ट है, अगर कोई डिपार्टमेंट था वो कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हो गया, कोई डिपार्टमेंट था वो कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी स्टेट है। वंस मोर फिर से देखते हैं, आ जाओ, कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन है जिसमें एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, वो स्टेट है। दूसरा, सरकार इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसी बॉडी को कि उसके ऊपर खर्च निकल जाते हैं, तो वो भी स्टेट है। तीसरा, किसी कॉर्पोरेशन की मोनोपोली है और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, किसी कंपनी की मोनोपोली और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो भी स्टेट है। सरकार किसी कंपनी में डीप एंड परवेसिव मतलब अंदर तक ऊपर से नीचे तक कंट्रोल करती है, तो वो भी स्टेट है, ठीक है। कोई कंपनी पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है,
कोई कंपनी है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है तो वो भी स्टेट है, और लास्ट है कोई डिपार्टमेंट था जो कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हो गया, कोई डिपार्टमेंट था जो कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हो गया तो वो भी स्टेट है। ये मेरे को बताओ कितनी देर में मेरे को याद करके दोगे, कितनी देर में मेरे को याद करके दोगे, बिकॉज ये आपको सी एस एग्जीक्यूटिव में भी काम आने वाला है। जल्दी से बताओ कितनी देर लगेगी याद करने में, 5 मिनट लगेंगे, जल्दी से याद करके दो, चलो जल्दी से याद करके दो। कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई किया तो स्टेट बन जाओगे। यस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है, गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल स्टेट होते हैं वो। वे माही वे माही मैनू, चलिए ओके। हाँ मैं जूम कर देता हूं, पहले 3 पॉइंट जूम करता हूं फिर बाकी ये 3 पॉइंट जूम करूंगा, ठीक है। चलिए ओके, यस जल्दी करिए। यस रेलवे भी स्टेट में आएगा, भैंस की जय हो। ये क्या गिर गया, मेरा मतलब है ये गिरा है भाई, कुछ और नहीं गिरा है, डोंट वरी, माउस गिर गया, माउस चल रहा है कि नहीं, चल रहा है चल रहा है। अरे माउस को क्या हो गया भाई, चलिए आप लोग याद करो जब तक मैं देखता हूं इसको। यस ओके भाई, ये 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट क्या है स्टार्टिंग के, गवर्नमेंट किसी कॉर्पोरेशन में पूरा एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करती है तो वो स्टेट है। दूसरा है किसी कंपनी में गवर्नमेंट इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाते हैं टू मीट अप एंटायर एक्सपेंडिचर, तो वो भी स्टेट है। थर्ड है किसी कॉर्पोरेशन की मोनोपोली और गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है तो वो भी स्टेट है। फोर्थ है कि सरकार का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है किसी बॉडी में तो वो भी स्टेट है। फिफ्थ है कि कोई बॉडी पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है तो वो भी स्टेट है। और लास्ट है कोई डिपार्टमेंट था वो कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गया, कंपनी में कन्वर्ट हो गया कोई डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, LIC, तो ये भी स्टेट है। यस yes, जल्दी से याद करो इसको, कम ऑन। स्टेट मतलब क्या होता है, अमन पूछ रहा है, अमन वही तो पढ़ रहे हैं, स्टेट मतलब कुछ नहीं एक्चुअली। संविधान ने क्या किया था, स्टेट एक नाम वर्ड यूज किया था और बोला था स्टेट। आपने कल का लेक्चर नहीं देखा अमन, यार ऐसे मत कर यार, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है ना तो उनको समझ नहीं आएगा ना बॉस, कल ही तो समझाया स्टेट क्या होता है। संविधान ने फंडामेंटल राइट्स देने की ऑब्लिगेशन स्टेट पे डाली हुई है, और कल हमने पढ़ा था कि स्टेट में कौन कौन आता है, आज तो हम एडिशनल पढ़ रहे हैं कि अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में डिसाइड हुआ था कि ये भी स्टेट है। लेकिन मेन स्टेट क्या होता है संविधान के हिसाब से, वो तो हमने कल ही पढ़ लिया था। तो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है यार, ऐसा मत किया करो यार तुम लोग, प्लीज यार ऐसा नहीं करने का यार, है ना यार। चलिए चलिए जी, तो पूरा स्टेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं स्टेट को, आ जाओ पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं स्टेट को, मां की आंख आ जाए फिर स्टेट से क्वेश्चन बताते हैं फिर अपन भी ICSI को, आ जाओ। चलो स्टेट में कौन कौन आता है आर्टिकल 12 के हिसाब से, स्टेट कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 12, ये भी पूछ सकते हैं, आर्टिकल 12 में डिफाइंड है स्टेट, बोलो कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 12। क्या है स्टेट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कुछ और रिक्वायर्ड ना हो, स्टेट इंक्लूड, स्टेट में कौन कौन आएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट स्टेट में आएंगी, और कौन आएगा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी स्टेट में आएंगे, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी, सारी लोकल अथॉरिटी सारी अदर अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी में है या इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हमने कल देख लिया था, लोकल अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, अदर अथॉरिटी मतलब कोई भी अथॉरिटी जो स्पेशल एक्ट से बनती है, RBI, LIC, SBI। तो स्टेट में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी लोकल अथॉरिटी सारी अदर अथॉरिटी जो इंडिया के टेरिटरी में है या इंडिया की टेरिटरी में नहीं है पर इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है,
वो भी स्टेट है। फिर हमने आज देखा अजय हारसिया वर्सेस खालिद मुजीब, एक केस है ये। इसमें बताया गया था कि कौन कौन सी बॉडीज और स्टेट कहला सकती है। तो पहला देखा, अगर गवर्नमेंट एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करती है किसी बॉडी में, एंटायर शेयर कैपिटल, तो वो स्टेट है। दूसरा हमने देखा, गवर्नमेंट इतना पैसा देती है भाई साहब किसी को कि उसके पूरे खर्चे निकल जाते हैं, तो वो भी स्टेट है। गवर्नमेंट गिव्स सो मच ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एज दे मीट अप एंटायर एक्सपेंडिचर, तो वो भी स्टेट है। तीसरा, किसी कॉर्पोरेशन की मोनोपोली और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है ना, एनी कॉर्पोरेशन हैविंग मोनोपोली एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट दैट टाइटल, गवर्नमेंट मोनोपोली को भैया प्रोटेक्ट करती है, तो वो स्टेट है। जिस भी बॉडी की मोनोपोली है वो स्टेट है। चौथा, गवर्नमेंट का किसी बॉडी में डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, अंदर तक और ऊपर से नीचे तक कंट्रोल है, तो जिसमें भी कंट्रोल है वो स्टेट है। सेकेंड लास्ट, कोई बॉडी पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, कोई भी बॉडी पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, तो वो भी स्टेट है। और लास्ट है, कोई डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी स्टेट है। तो ये सब लोग स्टेट में आते हैं। मुझे बताइए, सभी को समझ में आया क्या कि स्टेट में कौन कौन आता है? जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आया क्या कि स्टेट में कौन कौन आ जाता है? इंडियन एम्बेसी भी स्टेट है ना, कल ही देखा था, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है इंडियन एम्बेसी, इसलिए वो स्टेट है। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो क्वेश्चन पूछूंगा अब कि कौन कौन स्टेट है, कौन नहीं, आंसर देते जाना स्टेट है कि नहीं है। ठीक है, चलो पूछू क्वेश्चन, चलो फटाफट पूछता हूँ। राइट एवरीवन, चलो लेट मी आस्क देन। ओके, टेल मी गाइस। चलो गाइस, नाउ आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, राइट, यू हैव टू आंसर मी। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, क्या वो स्टेट होगा? पहले मैं आपको बता दूं, अभी वो पूरा सरकार के कंट्रोल में, सरकार जैसा चाहे अभी वैसा काम कर रही है। ढांचा सरकार ने डिसाइड किया मंदिर का कैसा होगा, सरकार का ही ट्रस्ट बना हुआ है, सरकार का ही पूरा कंट्रोल है। मैं आपको बता दूं, सरकार का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है उसमें। यस, वो स्टेट है गाइस, क्योंकि एक्चुअली उसको ट्रस्ट बनाया गया और उसमें डीप एंड परवेसिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए वो स्टेट है। राम मंदिर जो बन रहा है वो स्टेट है। अच्छा, मेरे घर में मंदिर है, मेरे घर में मंदिर है, क्या वो स्टेट होगा? मेरे घर में जो मंदिर है, क्या वो स्टेट होगा? आंसर इज नो, बिकॉज उसमें कुछ लेना देना नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो स्टेट नहीं होगा। वंडरफुल, वो नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो और क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना। मुझे बताइए आप लोग कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो एक स्पेशल लॉ पास करके बनाई गई है, क्या वो स्टेट होगी? एक यूनिवर्सिटी है जो एक स्पेशल लॉ पास करके बनाई गई है यूनिवर्सिटी, तो क्या वो स्टेट होगी? आंसर इज यस, वो अदर अथॉरिटी में आ जाएगी, वो स्टेट होगी, बिकॉज वो एक स्पेशल लॉ पास करके बनाई गई है यूनिवर्सिटी, स्टेट होगी। वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा, BSNL स्टेट होगा क्या? BSNL गवर्नमेंट कंपनी, BSNL गवर्नमेंट कंपनी है क्या? BSNL स्टेट होगा, क्या बात है, वेरी गुड, BSNL स्टेट है। यस, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL स्टेट है, वंडरफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेट होगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आंसर इज उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेट नहीं होगी, बिकॉज उसका कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट से, है ना, वो किसी भी जगह नहीं फिट होती, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी भी जगह फिट नहीं होती, तो वो स्टेट नहीं है। लेकिन मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज को मोनोपोली दे दे, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेट बन जाएगी? अगर गवर्नमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज को किसी फील्ड में मोनोपोली दे दे, तो क्या वो स्टेट बन जाएगी? आंसर इज यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, मुझे बताना आप लोग, मुझे बताइएगा कि एक कंपनी है, सरकार ना, एक कंपनी है जो अमित शाह के बेटे की, और उस कंपनी को सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है,
उस कंपनी को सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, क्या वो स्टेट होगा? अमित शाह के बेटे की कंपनी है, सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। तो आंसर इज, अगर सरकार किसी को इतना पैसा देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाए तो वो स्टेट होता है। वेरी गुड गाइस, कई लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ही यही है रेनू का, सरकार किसी को इतना पैसा देती है कि उसके पूरे खर्चे निकल जाए। राम मंदिर तो कॉरपोरेशन नहीं है बेटा, ट्रस्ट भी स्टेट हो सकते हैं, मंदिर भी स्टेट हो सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि कॉरपोरेशन ही स्टेट होंगे, ठीक है? ये बताया हुआ है कि यू नो कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये भी स्टेट हो सकते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट? चलिए ओके, नेक्स्ट अभी ध्यान देना, नेक्स्ट अभी ध्यान देना। तनु कहती है फॉलो बैक इस जन्म में कर दोगे आप? अगले जन्म में पक्का, अगले जन्म में पक्का। चलो लास्ट क्वेश्चन आंसर देना, लास्ट क्वेश्चन आंसर देना, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, राइट? दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल बी आस्किंग नाउ आप लोगों से, ठीक है? टफ पूछता हूँ, थोड़ा सा टफ पूछता हूँ, पूछो। चलो बताओ, आप लोग बताइए मुझे, अभी ना मोदी गवर्नमेंट है ना, सोमनाथ मंदिर में 80 करोड़ रुपए का चढ़ावा दे रही है, तो क्या वो स्टेट हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर डोनेशन दे रही है गवर्नमेंट सोमनाथ मंदिर में 80 करोड़ रुपए का, सोमनाथ मंदिर में, तो क्या वो स्टेट हो जाएगा? तो सिर्फ डोनेशन देने से आप स्टेट नहीं बन जाते, सिर्फ आपको डोनेशन मिल रहा है आप स्टेट नहीं बन जाओगे। हाँ, अगर आपका पूरा खर्चा सरकार उठाए, पूरा खर्चा सरकार उठाती है तो आप स्टेट हो, लेकिन सिर्फ डोनेशन अगर सरकार देती है ना तो आप स्टेट नहीं बनते, ठीक है? सिर्फ अगर आपको डोनेशन मिलती है तो आप स्टेट नहीं बनते। वेरी गुड गाइस, तो ये अपन ने इतना किया है, सिर्फ डोनेशन जो है उससे आप स्टेट नहीं बनते। सो वेरी गुड गाइस, यहां तक हमने जो है स्टेट जो है हमने पूरा कर लिया, वंडरफुल। आर्टिकल 13 कल से ही शुरू करते हैं, आज के लिए यही डन करते हैं, ठीक है? आज गाइस मैं मैं आपसे वार्तालाप भी नहीं कर पाऊंगा आज, ठीक है? मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मेरे मासी के लड़के का बर्थडे है एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर मी यार। सो मेरी मासी का जो लड़का है ना उसका बर्थडे एक्चुअली, एंड मेरे को जाना पड़ेगा, सो इसलिए आज मैं आपसे ज्यादा वार्तालाप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? ओके चलो, आज के लिए यहीं पे रखते हैं, एंड बाकी बातें अपन कल करते हैं। कल लेक्चर होगा, कल सैटरडे है ना यस, कल सैटरडे है, कल लेक्चर होगा। परसों छुट्टी होगी, संडे को रक्षाबंधन है ना, तो मनाइएगा रक्षाबंधन जोरदार जबरदस्त। तुम अच्छा, क्लास के बंदे अगर चाहें तो संडे को भी भैया ऑनलाइन राखी फेस्टिवल रख सकते हैं, सारी क्लास की लड़कियां सारे क्लास के लड़कों को राखी बांधेगी। बोलो कैसा रहेगा प्रोग्राम, ऑनलाइन रख लेते हैं। बच्चे बोलेंगे सर वैलेंटाइन डे होता ना तो सही होता, ये मत करवाओ सर हमारे से। बंदे बोलेंगे ये मत कराओ सर, वैलेंटाइन डे होता ना तो ऐसा प्रोग्राम अच्छा लगता सर आपका, ऐसे प्रोग्राम राखी में मत कराओ सर। कोई अच्छा, कोई इतना कोई लड़का है क्या जिसने स्कूल में राखी के दिन छुट्टी मार ली थी, मतलब राखी के आजू बाजू वाले दिन छुट्टी मार ली थी जस्ट बिकॉज वो लड़की राखी ना मान दे? कोई है क्या ऐसा अपनी क्लास में, कोई ऐसा बंदा है क्या जिसने स्कूल में छुट्टी मार दी थी बिकॉज यार वो बंदी राखी ना मार ले, यार राखी ना बांध ले? मैंने पता ऑफिस में छुट्टी मारी थी, मेरी जो क्रश थी ना वो बोली मैं सबको राखी बांधूंगी, राखी के दूसरे दिन कहती है मैं छुट्टी मार लिया भाई, मैं का भाई क्रश राखी बांध देगी तो हो गया। चलिए ओके वेरी गुड, यस निधि थी, निधि, यस निधि थी वो। अरे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं हर्ष भाई, हर्ष श्रीवास्तव पढ़ता हूं मैं कमेंट्स, क्या रे तू भी। चलिए ओके, फॉलो बैक मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? चलिए ओके गाइस, अरे फॉलो बैक मिल जाएगा यार, तुम क्या रे, मैं क्या कहीं जा रहा हूं क्या? चलिए ओके, अरे भाई मैं दे दूंगा फॉलो बैक भाई, कसम से दे दूंगा यार, मैं इंस्टा ज्यादा चला ही नहीं रहा हूं अभी यार, हर एक बंदे को फॉलो बैक दे देंगे, कोई बात है क्या? फॉलो बैक छोटी बात कर रहे हो आप लोग, जान हाजिर है तुम्हारे लिए, तुम फॉलो बैक की बात करते हो, हद है मतलब। चलिए जी ओके, तो अभी के लिए डन करते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, बाय बाय टाटा टेक केयर, ठीक है? अच्छा सॉन्ग सुनना है क्या? चलो एक सॉन्ग सुना के जाता हूँ तुम्हारे को, ठीक है? एक सॉन्ग सुना के जाता हूँ, फिर बाकी लोग कल सॉन्ग सुनाना, ठीक है आप लोग? चलिए एक सॉन्ग सुना के जाता हूँ आपको, मेरा अभी अभी ना सबका फेवरेट सॉन्ग है ना, जो वो वाला सुना के जाता हूँ, चलो
अभी सबका एक फेवरेट सॉन्ग चल रहा है, ट्रेंडिंग। चलिए सुनो, मस्त वाला गाना सुनो। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चली है तू, कितने चली है तू, कितने चली है, जानदा है दिल ये जान दिए तू। तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू। कितने चली है तू, कितने चली है, कितने चली है, काटू कैसे रात ओ सांवरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबियां लंबियां रे, कटे तेरे संगियां संगियां रे, के रातां लंबियां लंबियां रे, कटे तेरे संगियां संगियां रे। चलिए ओके एवरीवन, अभी के लिए डन करते हैं, बाकी बातें फिर हम लोग करते हैं कल। कल मिलेंगे एवरीवन, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय। तनिष्का जी नहीं कर रहा हूँ इग्नोर मैं, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। कल मिलेंगे, कल भी सेम टाइम क्लास होगी, रात को 10 बजे। फिर मंडे से मैं आपको प्रॉपर टाइम देता हूँ, ठीक है, कल भी रात को 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। लव यू गाइस, बाय गाइस, टेक केयर, गाइस विल मिस यू एवरीवन, मिस मी टू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और पढ़ाई करते रहो मेरे दोस्तों, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात होती है, पढ़ते रहा करो, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, विल मिस यू, ओके स्वीट हार्ट्स, ओके बाय बाय एवरीवन।